बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किसी भी मुमालिक का वीज़ा हासिल करना अब इंतहाई आसान होगा, क्योंकि नेशनल बैंक आपको दे रहा है 30 लाख रुपया किसी भी मुल्क के लिए। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन इस सुनहरी मौके से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी तलीम कम अज़ कम भी एफ़ए है, तो इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाने के लिए मुकम्मल वीडियो वाच करें। अप्लाई करने इस अपॉर्चुनिटी से कौन फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है, तफसील जानने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वर्ड से ऑनलाइन चैनल को विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ में वेबसाइट ओपन करें sagejobcity.com, जिसके स्पेलिंग इस टाइम आपकी स्क्रीन पे हैं। अप्लाई करने और मुकम्मल तफसील जानने के लिए इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे, डायरेक्टली आपके पास ये पेज ओपन होके आ जाएगा, जहां पे आपको इंटरनेशनल लेवल्स पे अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी कंट्री के लिए जो आप पाकिस्तानियों के लिए आती हैं, यहाँ पर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। लेकिन सिक्योर डाउन करने के बाद आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और यहाँ पर लोन की डिटेल्स में स्टूडेंट लोन 2022 का लिंक मिलेगा, जिसे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकेंगे। ये भी लिंक एक्चुअल वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए 29 जुलाई 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख्वातीन। आपको इसके लिए 29 जुलाई के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है, सब्जेक्ट कौन कौन से स्टूडेंट्स जो होंगे वो अप्लाई कर सकेंगे, आपको यहाँ पर मुकम्मल तफसील मैंशन कर दी गई है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाने के लिए, अगर आपकी उम्र 21 साल है, ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 31 साल है और PhD के लिए 36 साल है, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग है, जो हम आपको रिपीट अगेन बता रहे हैं। क्वालिफिकेशंस आपके कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए और अप्लाई करने के लिए आपने नीचे आकर इसके डॉक्यूमेंट चेक कर लेने हैं। आपके पास पासपोर्ट साइज तस्वीरें अटेस्टेड होनी चाहिए, आपके पास फीस चलान फॉर्म अटेस्टेड होना चाहिए, जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ स्टडी कर रहे हैं उसके आपका चलान फॉर्म कोई एक अटेस्टेड होना चाहिए, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट मीन्स के आपके अब्बू क्या करते हैं उसके मतलब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और अपने ID कार्ड और डोमिसाइल को भी आपने अटेस्टेड करवा लेना है। रीज़न आपके पास ये चीज़ का प्रूफ हो कि आप इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं उसका आपने सर्टिफिकेट लगाना है, ट्रांसक्रिप्ट लगानी है, और आपने नीचे ही आके यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, इनको स्पेशली फॉलोअप कर लेना है। एप्लीकेशंस के लिए आप ये लिंक पे क्लिक करेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए जो फॉर्म पर आपने डाउनलोड करना है क्लिक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट की डिटेल्स मिलेंगी, डिटेल अबाउट फॉर स्टूडेंट्स लोन स्कीम्स के लिए क्लिक करेंगे, कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी सिक्योर दिस लोन के लिए आप ये क्लिक पे करेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैंने फर्स्ट वन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, ये पेज कुछ इस तरह ओपन होके आ जाएगा। इसके पेजेस को आपने कैसे रीड करके अप्लाई करना है, इसको फिलअप करना है, वेरी सिंपल फॉर्म है। पहले पेज के बाद दूसरा पेज भी है, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टूडेंट लोन स्कीम 2022 की नेशनल बैंक की तरफ से आई है, इसके अंदर आपने अपनी मुकम्मल डिटेल्स टाइप कर लेनी है। आपके पास यहाँ पे एक अगला पेज आ जाता है, जिसमें सर्टिफिकेट फॉर द NBP ब्रांच मैनेजर, जिस ब्रांच से आपने कर्ज लेना है वो ब्रांच यहाँ पे सारी मैनेजर इसमें सारी डिटेल्स आपकी रीड आउट करके फाइनलाइज करेगा लास्ट पेज को, जिसमें आपकी मुकम्मल क्राइटेरिया में लिखा होगा, जिसको आपने रीड आउट करने के बाद आपने मुकम्मल इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आपने इसके लिए अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स आपको रिपीट बता दें, अटेस्टेड आपके पास सारे होने चाहिए, जो कि इस टाइम आपकी स्क्रीन पर हैं। और अप्लाई करने के लिए आप जब इसको अप्लाई कर लेते हैं, और कौन कौन से कंट्री के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे, ऊपर ही नीचे यहाँ पे नीचे आने के बाद एजुकेशन में आपको यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे वीज़ों की कंट्रीज़ की डिटेल्स मिलती हैं, जो कि आपके लिए जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना होगा इंतहाई आसान होगा, जो कि फुली फ्रंटर प्रोग्राम की भी डिटेल्स यहाँ पर मिलेंगी। आप ऊपर करके पेज अप करने के बाद यहाँ पर आपको मुकम्मल इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, जिसमें इंटरनेशनल लेवल्स पर जो पाकिस्तानियों के लिए किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ आती है। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, स्कॉलरशिप्स अरब कंट्रीज़ के लिए आई हैं, कुवैत के लिए स्कॉलरशिप्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, कनाडा के लिए इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये भी स्टूडेंट्स के लिए है। इसी तरह USA के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे आके जांच कर सकते हैं। जापान की तरफ से फुली फंडर प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको बड़े ममालिक की इस तरह मज़ीद और भी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशंस किसी भी कंट्री की मिलती रहें, तो हमारे चैनल वर्ड से ऑनलाइन के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक के साथ शेयर करें, और दूसरे चैनल हमारे से एवरीवन को लाजमी विजिट करें, जहाँ पे आपको बड़ी दिलचस्प वीडियो देखने को मिलेंगी। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।